बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बाय द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशिएंट द मोस्ट मर्सीफुल द मोस्ट काइंड। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं ये ट्यूटोरियल जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 पे बना रहा हूँ। ये हम जो जिस तरह हम यूज़ करेंगे ये तमाम वर्जन में इसी तरह यूज होगा दोस्तों, ये हम तमाम वर्जन पर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले जाते हैं दोस्तों इंसर्ट ऑप्शन पे। हमें यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन ये हमारे लास्ट दो टॉपिक में आज के इक्वेशन और सिंबल। सबसे पहले हम सिंबल देखते हैं दोस्तों। हमने सिंबल पे क्लिक किया, ये हमारे सामने जो है रिसेंट यूज सिंबल्स हैं। आपको इनमें से कोई चाहिए तो हम जस्ट क्लिक करेंगे तो ये हमारे सिंबल हमारा आ जाएगा दोस्तों। आपको इनमें से कोई भी सिंबल चाहिए तो आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करें तो हमारा सिंबल एंटर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, अगर आपको इन ऑप्शन के सिंबल्स के अलावा आपको कोई और सिंबल चाहिए तो हम मोर सिंबल्स में जाके यूज कर सकते हैं। इनमें से आप कोई भी सिंबल ले सकते हैं। देखिए हमें बिल्ट इन काफी ज्यादा सिंबल किए गए हैं इन्होंने, आपको इनमें से जो पसंद है हम इसमें से यूज कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि हम जिस तरह जिस सिंबल पे क्लिक करेंगे उसके बाद ये नीचे यूनिकोड नेम आ रहा है, ये इसका यूनिकोड नेम है। उसके बाद ये इसका करेक्चर कोड है दोस्तों। तो इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये सिंबल 33 है और इसका कोड जो है ये है। उसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया, आप देख सकते हैं ये आ गया। इसको हम इसमें से कोई भी सिलेक्ट करेंगे तो दोस्तों ये इसका नीचे यूनिकोड नेम देगा हमें और साथ उसका कोड देगा। अब इसमें से हम देखते हैं, हमें सबसे दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक सिंबल है एक स्पेशल सिंबल है सिंबल के अंदर। उसके बाद दोस्तों ये देखते हैं हमें फॉन्ट है हमें दिए गए हैं, इसमें से आप फॉन्ट चेंज करना चाहें आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे ये एक्सक्लेमेशन साइन है, ये इसका नेम आ गया, ये इसका कोड है, हमने ये इसको सिलेक्ट किया। उसके बाद हम इसका फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, आप इसमें से कोई भी फॉन्ट रखें दोस्तों। जैसे कि हम इसमें से सिलेक्ट करते हैं कोई भी, हम इसको सिलेक्ट करते हैं दोस्तों, आप ये देखें इसका फॉन्ट चेंज हो गया, हम इसको यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद ये हमें दिए गए नीचे यूनिकोड है, हेक्सा है। उसके बाद देखें ये डेसिमल में है, फिर हेक्सा में है दोस्तों, यूनिकोड है। इसमें से हम सब सेट्स हैं दोस्तों, सबके ऊपर हमें सब सेट किए गए। हम इसमें से चेंज करना चाहें, आप लैटिन रखना चाहें, कोई भी रखना चाहें तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया दोस्तों, उसके बाद नीचे हम इसको क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने इधर इसको एंटर कर दिया। तो दोस्तों इसमें से आपको कोई